तो ये फैक्ट बनाने के लिए आप लोगों ने अपनी सिंपली फिल्मोरा 9 में आ जाना, और यहाँ पर आप लोगों देखो तो हमारे पास वही फुटेज है, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को फुटेज स्टार्टिंग में दिखाई। अब इस फुटेज के ऊपर आप लोगों ने ये इफेक्ट किस तरह से लगाना है, ये इफेक्ट बेसिकली अगर आप म्यूजिक वीडियो एडिट कर रहे हैं तो आप लोगों का ये इफेक्ट बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। सिंपली आपको भी आपकी जो भी यहाँ पर म्यूजिक वीडियो है, ठीक है, उसको आप लोग अपनी टाइमलाइन के ऊपर ले आइए, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से आप लोगों ने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने सिंपली यहाँ से इफेक्ट्स पैनल में जाना है, और इफेक्ट्स पैनल में से आप लोगों ने फिल्टर्स में जाना है। फिल्टर्स में से आप लोगों ने यहाँ पर नीचे जाना है, ठीक है, यहाँ पर सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर एक इफेक्ट देखने को मिलेगा जिसका नाम है पिक्सेलेटेड एडजेस, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस पिक्सेलेटेड एडजेस को आप लोगों ने पकड़ना है और अपनी यहाँ पर आप लोग चाहो तो एक अलग लेयर भी बना सकते हो, अदरवाइज जरूरत नहीं, आप लोग अपनी पिक्चर के ऊपर मतलब अपनी वीडियो के ऊपर ड्रैग ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, इसको कलर को डिफरेंट में अगर इस कलर आप लोग चेंज करना चाहते हो, इसके येलो बॉर्डर्स हैं, आप लोग इसका कलर कोई और चेंज करना चाहते हो, सिंपली इसके ऊपर आप लोग डबल क्लिक करो, ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को नीचे वीडियो इफेक्ट्स में आप लोगों को यहाँ पर पिक्सेलेटेड एडजेस का कलर मिल जाएंगे। आप लोग यहाँ से रेड सेलेक्ट कर लो, ठीक है, जो कलर आप सेलेक्ट करोगे ये यहाँ से उसी कलर के बन जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से रेड कलर निकाल लेता हूँ। सो हम लोगों ने यहाँ पर रेड कलर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। आप लोग इसका अल्फा सेट कर सकते हो, जितना आप लोग इसको कम या ज़्यादा रखना चाहो आप लोग ये काम कर सकते हो। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ मैं अपनी फुटेज को एक बार प्ले करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखो ये चीज़ कुछ ऐसे देखने में लग रही है, यहाँ पर ये रेड एडजेस कुछ ऐसे देखने में लग रहे हैं। आप यहाँ पर डिफरेंट यहाँ पर कलर लगा सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से जितनी आपको ज़रूरत हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों ने इसके ऊपर दूसरा इफेक्ट किस तरह से लगाना है जो आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा, ठीक है। उसके लिए सिंपली आप लोगों ने अपनी फुटेज को कॉपी करना है यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों ने लेयर वन को लॉक कर देना और इसको यहाँ पर कंट्रोल वी प्रेस करना है, ये ऑटोमेटिकली लेयर टू के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों क्या करना है, लेयर टू के ऊपर डबल क्लिक कर लेना है, और ठीक है, उसके वीडियो इफेक्ट्स को आप लोगों ने बिल्कुल बंद कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने सिंपली यहाँ से ऊपर जाना है, और यहाँ से आप लोगों ने इसके कंपोजिटिंग पैनल में जाना है। कंपोजिटिंग पैनल में से आप लोगों ने इसकी ब्रांडिंग मोड को आप लोग डिफरेंस पर रख दो, आई थिंक सो इसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्टली वर्क करेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखो, मैं अपनी फोटोज को डिफरेंस पर रखा, तो यहाँ पर यह चीज़ कुछ इस तरह से काम करती है। अगर आप लोग कोई म्यूजिक वीडियो एडिट कर रहे हो तो आप लोगों को ये इफेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, क्योंकि ये इफेक्ट बहुत ज़्यादा कमाल का, और आप इसको कहीं भी अपने म्यूजिक वीडियोस के अंदर यूज़ कर सकते हो। इसको हम लोग पिक्सेलेटेड एडजेस इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। आप लोग इसको नियन ग्लोइंग इफेक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है, जो कि आपकी बॉडी के इर्द गिर्द या आपकी जो भी फुटेज है उसके जितने भी एडजेस हैं वहाँ पर ये ग्लो करेगा। आई होप सो कि वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है, और चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबा दो, ताकि हम लोग हमारे चैनल के ऊपर फिल्मोरा 9 और डिफरेंट तरह की वीडियोज़ देखने को मिलती रहे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट एंड गुड बाय। We'll be right back.